हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे डिमांड कर्व क्या होगा नॉर्मल और इन्फीरियर गुड के कंटेक्स्ट में। मतलब डिमांड कर्व नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड के कंटेक्स्ट में किस तरह से बनेगा। बच्चों, ये टॉपिक क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर भी कवर होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब जब हम एक गुड की डिमांड और किसी दूसरे कॉम्पोनेंट के बारे में बात करेंगे, दूसरे डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने जो डिमांड कर्व बनाया, सभी जगह डिमांड कर्व में केवल प्राइस और डिमांड के कंटेक्स्ट में ही रिलेशन की बात की थी। और रिलेशन किस फॉर्म में, यदि प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड गिरेगी या फिर प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी में एक्स एक्सिस पर लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा, लेकिन वाई एक्सिस पर किसी दूसरे डिटर्मिनेंट को लेंगे। हो सकता है वो हो इनकम, हो सकता है वो हो प्राइस किसी सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की, या हो सकता है वो हो कंज्यूमर की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, या फिर वो हो इकोनॉमी की पॉपुलेशन। तो क्रॉस इलास्टिसिटी वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड। यहां हम कंपैरिजन करेंगे इनकम को दो गुड की डिमांड के साथ। पहले बात करेंगे इनकम का रिलेशन नॉर्मल गुड की क्वांटिटी डिमांडेड के साथ या नॉर्मल गुड की डिमांड के साथ, और फिर इनकम का रिलेशन इन्फीरियर गुड की डिमांड के साथ। बात करने वाले नॉर्मल और इन्फीरियर गुड के कंटेक्स्ट में। याद रखें, नॉर्मल गुड्स के अंदर दोनों तरह के आएंगे, एसेंशियल एज वेल एज लग्जरियस। जो आइटम एसेंशियल है वो भी आएंगे, और जो लग्जरी कैटेगरी के आइटम है वो भी नॉर्मल गुड के अंदर कवर होंगे। इन्फीरियर गुड के अंदर ऐसे गुड जो लो क्वालिटी के हैं, ऐसे गुड जो लो क्वालिटी के हैं वो कहलाते हैं इन्फीरियर। सर, आपने पिछली क्लास में बताया था कि जो गिफिन गुड है वो भी लो क्वालिटी के हैं, तो क्या गिफिन गुड ही इन्फीरियर है? क्या इन्फीरियर ही गिफिन है? तो बच्चों, इन्फीरियर गुड है ब्रॉड कैटेगरी। जो इन्फीरियर गुड है ये है ब्रॉड कैटेगरी, ये सारे ही इन्फीरियर गुड है, लेकिन इसका एक पार्ट आएगा गिफिन गुड, इसका एक पार्ट आएगा गिफिन गुड। इन्फीरियर गुड ऐसे सारे गुड्स जो लो क्वालिटी के हैं वो सारे इन्फीरियर हैं, लेकिन ऐसे इन्फीरियर गुड जो एसेंशियल हैं, ऐसे इन्फीरियर गुड जो एसेंशियल हैं, जरूरी है, वो माने जाएंगे गिफिन गुड, और इसके अलावा बाकी के नॉन गिफिन गुड्स या फिर अदर देन दी गिफिन गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स ऐसे गुड्स जो लो क्वालिटी के हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जो भी लोग सबसे लो क्वालिटी की ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं वो गिफिन गुड के अंदर आएगा और वही इन्फीरियर गुड है। लेकिन जितने भी लोग टेलीविजन यूज कर रहे हैं, टेलीविजन, कुछ लोग कंपनी ब्रांडेड कंपनीज की टेलीविजन यूज कर रहे हैं, कुछ लोग चाइनीज कंपनी की टेलीविजन, मतलब लो क्वालिटी की टेलीविजन यूज कर रहे हैं, तो लो क्वालिटी वाला भी इन्फीरियर गुड के अंदर आएगा, लेकिन वो इस जगह आएगा अदर देन गिफिन गुड्स के अंदर, क्योंकि ये आइटम जरूरी नहीं है। आइटम नहीं होगा तब भी लोग सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन ब्रेड नहीं होगी तब लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन्फीरियर गुड ऐसे गुड जो लो क्वालिटी के हैं, हो सकता है कुछ एसेंशियल हो जिन्हें बोलेंगे गिफन, हो सकता है कुछ नॉन एसेंशियल हो जिन्हें जो कहलाएंगे अदर देन गिफन गुड्स। और नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स जिनके अंदर हम एसेंशियल गुड भी कवर करेंगे और जिनके अंदर हम कवर। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छे करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। करेंगे लग्जरी कैटेगरी के गुड भी। ये मैंने नॉर्मल और इन्फीरियर दोनों का मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया है। अब बात करूं सीधा डिमांड कर्व, तो यहां पर मैं नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड की डिमांड का रिलेशन डिस्कस करूंगा इनकम के साथ। और क्या रिलेशन है? इन नॉर्मल गुड्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम। नॉर्मल गुड में पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ। जैसे जैसे कस्टमर की इनकम बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की डिमांड भी राइज होगी। लेकिन वो गुड यदि वो गुड है एसेंशियल कैटेगरी का, तो एसेंशियल कैटेगरी की डिमांड इतनी ज्यादा रेट से राइज नहीं होगी जितनी ज्यादा रेट से लग्जरी गुड की डिमांड राइज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज लोगों की इनकम जैसे ही बढ़ने लगती है, वो जितने भी एसेंशियल आइटम कंज्यूम कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी ही इंक्रीज करेंगे, लेकिन इनके लिए जो लग्जरी कैटेगरी गुड है, जैसे होटल में खाना खाना या फिर मोबाइल फोन परचेज करना, लैपटॉप परचेज करना, गाड़ी खरीदना, ये लग्जरी गुड की कैटेगरी के अंदर आएगा, तो इनकी डिमांड ज्यादा रेट से राइज होगी, जबकि जो एसेंशियल आइटम्स के गुड है
उनकी डिमांड भी राइज होगी लेकिन कम रेट से. तो नॉर्मल गुड आर दोज गुड्स विच हैव पॉजिटिव रिलेशन विद द इनकम. पॉजिटिव रिलेशन मीन्स इफ इनकम राइजेस देन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड राइजेस एंड इफ इनकम फॉल्स देन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड फॉल्स. लेकिन एसेंशियल गुड वाली कैटेगरी में जैसे ही इनकम गिरेगी उनकी डिमांड नहीं गिरेगी. वापस बात कर ले, नॉर्मल गुड ऐसे गुड जिनमें पॉजिटिव रिलेशन है डिमांड और इनकम में. इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम गिरेगी डिमांड भी गिरेगी. इसका ग्राफ देखें आप एग्जाम में, अगर आपके लिए आता है कि नॉर्मल गुड का क्या रिले, नॉर्मल गुड का डिमांड का बनाओ, तो आपको एसेंशियल और लग्जरी कैटेगरी के बारे में नहीं लिखना है. आप तो सिंपल यही डेफिनेशन लिखोगे कि इनकम बढ़ेगी तब डिमांड बढ़ जाएगी और इनकम गिरेगी तब डिमांड गिर जाएगी. एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे इनकम. सपोज पहले इनकम इस पॉइंट तक, इनकम है इस पॉइंट तक, ये मान ले अपन ओ ए तक और यहां आ गया ये ओ बी. अब जैसे ही इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ गई, इनकम हुई डिक्रीज डिमांड भी डिक्रीज हो गई. तो ये जो डिमांड कब आएगा वो आएगा अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अगर इनकम बढ़ी तब क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी और यदि इनकम होगी डिक्रीज तो क्वांटिटी डिमांड भी डिक्रीज होगी. तो अपवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब आएगा, नॉर्मल गुड का. जबकि इन्फीरियर गुड में, इन्फीरियर गुड लो क्वालिटी के गुड्स हैं, अगर कस्टमर की इनकम राइज होगी तो वो क्या करेगा, अच्छी क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा. अगर पहले इनकम कम है तो कस्टमर लो क्वालिटी के गुड्स खरीदना पसंद करेगा. किसी व्यक्ति की इनकम कम है, टेलीविजन घर के लिए परचेज करनी है, तो वो सस्ती वाली टेलीविजन 5-6 हजार रुपए की टेलीविजन परचेज कर लेंगे. लेकिन अगर इनकम बढ़ रही है तो वो क्या चाहेंगे, टेलीविजन परचेज करना है, अच्छी क्वालिटी की खरीदें. इट मींस इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड देयर इज नेगेटिव रिलेशन विद द इनकम. अगर इनकम डिक्रीज होगी, देयर इज नेगेटिव रिलेशन विद द इनकम. अगर इनकम होगी डिक्रीज तब इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी. अगर इनकम होगी डिक्रीज तब इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी. और यदि इनकम होगी इंक्रीज तब कस्टमर अच्छी क्वालिटी के गुड परचेज करेगा, तब डिमांड गिर जाएगी. अल्टीमेट कंक्लूजन है इन्फीरियर गुड के केस में जो डिमांड कब बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, और नॉर्मल गुड के केस में जो डिमांड कब बनेगा वो बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग. ये बात थी बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में, नॉर्मल और इन्फीरियर गुड के कंटेक्स में डिमांड कर्व किस तरह से बनेगा. एक जगह बनेगा नॉर्मल में अपवर्ड स्लोपिंग और इन्फीरियर में डाउनवर्ड स्लोपिंग. इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है या फिर 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है. ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में. कोई और आपको स्पेसिफिक पॉइंट में दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपका उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा. ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए और बने रहिए. थैंक यू.